Hello friends, welcome to Lakshya Academy Bohor. Myself Mohit Garg and welcome to you the platform of the Lakshya Academy. Dear student, जैसे कि आप सभी जानते हो कि CBSE 10th और 12th के बोर्ड के एग्जाम स्टार्ट हुए हुए हैं, ठीक है स्टूडेंट। कल 18 मार्च 2019 को मैथ का पेपर हुआ था प्लस टू का, जो कि बहुत ही ज्यादा इजी भी नहीं कह सकते, एवरेज कह सकते हो आप, एवरेज पेपर आया था, ना ज्यादा टफ ना ज्यादा आप कह सकते हो इजी, ठीक है स्टूडेंट। तो आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको पेपर दिखाना चाहता हूँ कि कल का पेपर कैसा आया था और किस टाइप के क्वेश्चन पेपर के अंदर आते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप मेरे इस चैनल में नए हो तो सबसे पहले आप मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स, और साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर दबाइए, ठीक है स्टूडेंट्स। आइए अब हम पेपर को देखते हैं। ये जो मेरे पास स्क्रीन को पर आया है स्टूडेंट, मेरे पास सीरीज आप देख सकते हो स्क्रीन को पर BVM2 है और सेट जो नंबर सेट जो है वो 3 है और इसका जो कोड है 65/2/3 है, आप स्क्रीन को पर देख सकते हो स्टूडेंट, येलो कलर के अंदर मैंने शेयर किया है। तो ये जो इंस्ट्रक्शन है जो क्लास 11th के अब 12th के अंदर प्रमोट हुए हैं, वो स्टूडेंट इस इंस्ट्रक्शन को अच्छे तरीके से पढ़ लें ताकि आपको आने वाले एग्जाम के अंदर, आने वाले प्लस टू अपने एग्जाम के अंदर इनकी इसके बारे में आपको जानकारी हो, ठीक है स्टूडेंट। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है और आप इन रूल्स के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी करोगे, ठीक है स्टूडेंट। आप इसको सबसे पहले अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। सबसे पहले क्या रूल है, प्लीज चेक दैट दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 11 प्रिंटेड पेजेस। सबसे पहले क्या है, इसमें 11 पेजेस होते हैं। फिर क्या, कोड नंबर गिवन एंड ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द क्वेश्चन पेपर शुड बी रिटन ऑन द टाइटल पेज ऑफ आंसर बुक ऑफ द कैंडिडेट, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद क्या है, प्लीज चेक दैट द क्वेश्चन पेपर 29 क्वेश्चंस, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद क्या है, प्लीज वेट, प्लीज राइट डाउन द सीरियल नंबर ऑफ द क्वेश्चन बिफोर अटेम्प्टिंग इट। उसके बाद क्या है, 15 मिनट टाइम हैज बीन अलॉटेड टू रीड दिस क्वेश्चन पेपर, दिस क्वेश्चन पेपर विल बी डिस्ट्रीब्यूट एट 10:15 AM। आपको 10:15 AM टू 10:15 AM टू 10:30 AM तक आपको रीडिंग टाइम दिया जाएगा, उसके बाद आपको आंसर बुक दी जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। ये था आपके पास मैथमेटिक्स का इंस्ट्रक्शन थोड़ी सी। पूरे 3 घंटे का पेपर होता है और 15 मिनट का जो टाइमिंग है, 15 मिनट की जो टाइमिंग है, ठीक है स्टूडेंट, वो आपको रीडिंग के लिए दी जाएगी। टोटल जो मार्क्स आता है उसका 100 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है स्टूडेंट। ये था कि इंस्ट्रक्शन जो आपने देखी। उसके बाद देखिए स्टूडेंट, आपके पास जनरल इंस्ट्रक्शन भी है कि किस तरह का पेपर, पेपर के अंदर क्वेश्चन है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कितने मार्क्स के, कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें क्या आता है स्टूडेंट, ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी होते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन करने होते हैं। और क्या, उसके बाद दिस क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 29 क्वेश्चन डिवाइडेड इंटू 4 सेक्शन ABCD, ठीक है स्टूडेंट। ए मार्क्स है, जो ए कंप्राइज 4 क्वेश्चन 1 मार्क्स के, बी में 8 क्वेश्चन, उसके बाद 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, फिर 6 मार्क्स 6 क्वेश्चन होते हैं 6 मार्क्स के, ठीक है क्वेश्चन, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद कहते हैं ऑल क्वेश्चन इन सेक्शन ए आर टू बी आंसर्ड इन 1 वर्ड एंड 1 सेंटेंस एज पर द एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद देयर इज नो ओवरऑल चॉइस, इसके अंदर कोई ओवरऑल चॉइस नहीं होती स्टूडेंट्स। कहते हैं इंटरनल चॉइस हैज बीन प्रोवाइडेड इन 1 क्वेश्चन ऑफ सेक्शन ए, एक सेक्शन ए के अंदर 1 क्वेश्चन के अंदर चॉइस होती है, और सेक्शन बी के अंदर 3 क्वेश्चन के अंदर चॉइस होती है स्टूडेंट। उसके बाद 3 क्वेश्चन के अंदर चॉइस होती है सी सेक्शन के अंदर, और 3 क्वेश्चन की चॉइस होती है डी सेक्शन के अंदर। इस तरीके से आपने क्या करना है, क्वेश्चन को आपको पेपर दिया होगा, ठीक है स्टूडेंट। अब सेक्शन ए आपके पास जो क्वेश्चन पेपर है, मैं आपके सामने दिखाने जा रहा हूँ क्वेश्चन सेक्शन ए का है। फर्स्ट पहला क्वेश्चन जो क्या क्या कहता है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ द कर्व्स y इज इक्वल टू a e की पावर 2x+5 एंड वेयर a इज एन आर्बिटरी कॉन्स्टेंट। बहुत ही इजी क्वेश्चन था डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर का, जो कि 9th नंबर चैप्टर है एनसीईआरटी बुक का, 9th नंबर चैप्टर ये है एनसीईआरटी बुक का। बहुत इजी क्वेश्चन आया था इस क्वेश्चन, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कहता है स्टूडेंट, कहता है इफ y इज इक्वल टू cos √3x देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डिफरेंशियल dy/dx। आपने क्या करना था, इसका dy/dx निकालना था। बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था स्टूडेंट। उसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है इफ a द स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइंग a' * a इज इक्वल टू i, राइट द वैल्यूज ऑफ a, डिटरमिनेंट ऑफ a। ये आपने फाइंड करना था, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन आप देख सकते हो स्टूडेंट। ये जो क्वेश्चन पेपर है हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों के अंदर प्रोवाइड होता है स्टूडेंट, आप देख सकते हो।
उसके बाद आपके पास फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन था वो क्या कहता है, कहता है फाइंड फाइंड द डायरेक्शन टू साइंस ऑफ ए लाइन विच मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कोऑर्डिनेट्स एक्सिस। ठीक है स्टूडेंट, ये आपके पास डायरेक्शन टू साइंस 10th और 11th क्वेश्चन, 10th चैप्टर का भी आप कह सकते हो इसको, 11th क्वेश्चन के अंदर, 11th चैप्टर के अंदर भी आप ले सकते हो। बहुत ही सिंपल ही क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे तरीके से देख लें। मैं इसका जो सोल्यूशन है इस पूरे पेपर का बहुत ही जल्द आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ विद सोल्यूशन। आप मैं सिर्फ इस वीडियो के अंदर आपको सिर्फ ये पेपर दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह पेपर एग्जाम के अंदर आता है और कैसे आता है, इसको आप अच्छे तरीके से देख ले। उसके बाद एक नंबर के अंदर क्वेश्चन आया हुआ था और के अंदर कि ए लाइन लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर 2i - j वेक्टर + 4k कैप एंड इज इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर i कैप + j कैप - 2k कैप। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज कार्टेशियन फॉर्म। आपने इक्वेशन ऑफ द लाइन निकालनी है कौन सी फॉर्म के अंदर, कार्टेशियन फॉर्म के अंदर। आपको पता है कि दो तरह की फॉर्म होती है, एक वेक्टर फॉर्म होती है, कार्टेशियन फॉर्म होती है। इसकी सिर्फ आपने इक्वेशन लिखनी थी। बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था स्टूडेंट, ये थे चार क्वेश्चन जो आपको 1 मार्क्स के दिए थे। उसके बाद सेक्शन बी आपके पास आता है स्टूडेंट, सेक्शन बी बहुत ही ज्यादा सिंपल आया था। देखिए क्या कहता है 5th नंबर क्वेश्चन की, शो दैट, सबसे पहले दो हिंदी में इसमें चॉइस आई हुई है, कह रहे शो दैट दी पॉइंट्स। आपको एक पॉइंट दिया हुआ है ए, आप देख सकते हो स्टूडेंट, एंड बी पॉइंट दिया हुआ है, एक सी पॉइंट दिया हुआ है। अब बताना है कोलिनियर, बहुत ही इजी क्वेश्चन था आपको, लीनियर आपको मैंने बताया हुआ है कैसे क्वेश्चन को करते हैं, जो बच्चे मेरे पास ट्यूशन टीच करते थे वो पढ़ते थे, वो उनको मैंने बताया हुआ है कि क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आया था। उसके बाद कहता है कि फाइंड मोड ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर, आपने ये निकाला था और ए वेक्टर आपको गिवन दिया हुआ, बी वेक्टर दिया हुआ है, 2 मार्क्स का बहुत ही ज्यादा ही सिंपल क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद स्टूडेंट आपके पास 6 नंबर 6 नंबर क्वेश्चन जो है इंटीग्रेशन का आया हुआ है 2 मार्क्स का। ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा बच्चे क्या करके हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व करने में पजल हो चुके हैं, तो मैं आपको इस क्वेश्चन का सोल्यूशन बताऊंगा विद आपको। बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आपने थोड़ा सा दिमाग लगाना था इस क्वेश्चन के लिए, ये क्वेश्चन इजिली सोल्व हो सकता था। उसके बाद 7th नंबर क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट क्या कहता है, एग्जामिन वेदर दी ऑपरेशन स्टार डिफाइंड ऑन दी आर दी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर बी ए स्टार बी इज इक्वल टू रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर इज बाइनरी ऑपरेशन और नॉन। इफ इट इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन व्हेन फाइंड वेदर इज एसोसिएटिव और नॉट। आपने इसे बताना है कि बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है और इसको प्रूव करना है कि एसोसिएटिव है या नहीं है। तो बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था स्टूडेंट ये भी, तो आप इजिली कर सकते थे। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन स्टूडेंट क्या कहता है, इफ ए इज इक्वल टू, आपको मैट्रिक्स की बनी हुई है 4 4 2 4 2 -1 और 1 एंड शो दैट a - 2i a - 3i = 0। ये शो करना था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है 2 मार्क्स का, इससे बढ़िया क्वेश्चन पेपर के अंदर आपके पास नहीं मिल सकता। उसके बाद 9th नंबर क्वेश्चन के अंदर फिर इंटीग्रेशन आ गया है। इंटीग्रेशन के अंदर क्या कहता है, साइन क्यूब एक्स प्लस कोस क्यूब एक्स अपॉन में साइन स्केयर एक्स इंटू कोस स्केयर एक्स, इसको आपने सोल्व करना था। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है और इसके अंदर और के अंदर भी आया हुआ है x - 3 x - 1 की होल क्यूब इंटू ई के एक्स इंटू डी एक्स। ये भी पिछला कुछ क्वेश्चन था उसी टाइप का क्वेश्चन है, इंटू के अंदर आया हुआ है एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ। ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, थोड़ा सा इसके अंदर ध्यान देने वाली जरूरत थी जो बच्चे इसका ये क्वेश्चन को छोड़ के आए हैं शायद, ठीक है स्टूडेंट। लेकिन उन्होंने क्या किया, ऊपर वाला पार्ट जो है, जो ऊपर वाला पार्ट था वो क्या किया, अटेम्प्ट किया, ये वाला जो पार्ट किया है अटेम्प्ट किया है, ठीक है स्टूडेंट। अब आपके पास 10th नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, कहते हैं एक क्वाइन, ये प्रोबेबिलिटी के अंदर क्वेश्चन आया है स्टूडेंट, देखिए एक क्वाइन इज टॉस 5 टाइम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग 3 हेड्स एंड एट मोस्ट 3 हेड्स। दो पांच को 5 टाइम्स को आपने करना सैंपल स्पेस बनाया क्वाइन का, कि 5 टाइम्स का सैंपल स्पेस बना के उसमें बताना 3 हेड्स और एट मोस्ट 3 हेड्स की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। और सेकंड जो सा क्वेश्चन आया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स द नंबर ऑफ हेड्स इन ए साइमल्टेनियस टॉस ऑफ 2 क्वाइंस, साइमल्टेनियस ऑफ 2 क्वाइंस। बहुत इजी क्वेश्चन था स्टूडेंट, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना था क्वेश्चन को और ये क्वेश्चन इजीली आप डिफाइन कर सकते थे, ठीक है स्टूडेंट। आप जिनको नहीं पता लगा कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको सोल्यूशन दूंगा, आप क्वेश्चन को मैच करना अपने आपने जो सोल्यूशन किया है, अगर उससे मैच होता है तो आपका क्वेश्चन ठीक होगा। उसके बाद 11th नंबर क्वेश्चन क्या देखो क्या कहता है, बहुत इजी क्वेश्चन था 2 2 मार्क्स का, ये भी प्रोबेबिलिटी के अंदर से आया हुआ है। कहता है इफ पी नॉट ए इज इक्वल टू 0.7 एंड पी बी इज इक्वल टू 0.7 एंड पी बी अपॉन ए इज इक्वल टू 0.5 देन दी फाइंड द वैल्यू ऑफ पी अब ए अपॉन बी। ये भी क्वेश्चन का सिर्फ फार्मूला आपने यूज करना था और फार्मूला यूज करके आपने इस क्वेश्चन को
सोल्व इजिली आपने क्या करना था, सोल्व करना था। ठीक है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन था बहुत ही ज्यादा इजी। अब इसके बाद 12th नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कहता है फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू ए इंटू ई की पावर 2x प्लस बी ई की पावर माइनस 2x एंड वेयर ए एंड बी आर दी आर्बिटरी कॉन्स्टेंट। आपने डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी थी इसकी, बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था, इससे ज्यादा सिंपल क्वेश्चन पेपर के अंदर नहीं आ सकता डिफरेंशियल इक्वेशन का। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था डिफरेंशियल इक्वेशन का। उसके बाद देखिए 4 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं स्टूडेंट। ये सेक्शन सी के अंदर 3 क्वेश्चन के अंदर चॉइस होती है और सेक्शन बी के अंदर 2 क्वेश्चन के अंदर चॉइस थी। सेक्शन सी में भी 3 क्वेश्चन में चॉइस रहेगी और सेक्शन डी के अंदर भी 3 क्वेश्चन की चॉइस होगी। देखिए स्टूडेंट, आप जल्दी से इस क्वेश्चन को आप रीड कर लीजिए, इसके जो सोल्यूशन है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको प्रोवाइड कराऊंगा। पूरे जो है सेक्शन ए की अलग वीडियो बनाऊंगा, सेक्शन बी की अलग, सेक्शन सी की अलग और सेक्शन डी की अलग वीडियो बनाऊंगा, ताकि जो वीडियोस है वो इसकी लेंथ थोड़ी कम हो सके। ठीक है, तो आपके पास 30 नंबर क्वेश्चन आया, कहता है सोल्व फॉर एक्स, एक्स की वैल्यू आपने फाइंड करनी है और ये आपको दिया हुआ है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का चैप्टर का क्वेश्चन कि टेन इनवर्स एक्स प्लस वन प्लस टेन इनवर्स एक्स माइनस वन इज इक्वल टू टेन इनवर्स 8/31। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन था, आपने इसमें टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फार्मूला लगा के इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। उसके बाद 40 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है स्टूडेंट, कहता है इफ एक्स इक्वल टू ए की पावर टी साइन टी प्लस कोस टी एंड वाई की वैल्यू दी हुई है ए की पावर टी साइन टी माइनस कोस टी। आपको एक्स इज द फंक्शन ऑफ इन टर्म्स ऑफ टी दिया हुआ है एंड वाई इज द फंक्शन ऑफ इन टर्म्स ऑफ टी दिया हुआ है। आपने डी बाई डी एक्स की आपने क्या करना था, वैल्यू को फाइंड करके ये प्रूव करना था। ठीक है स्टूडेंट, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, क्योंकि आपने क्या करना था इस एक्स को डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी करना था और इस वाई को भी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी करके इस क्वेश्चन को डी बाई डी एक्स पर निकालना था। उसके बाद इसका जो सेकंड क्वेश्चन जो आया वो आया एक्स की पावर साइन एक्स प्लस साइन एक्स की पावर कोस एक्स। ये भी क्वेश्चन जो है वेरिएबल के पास वेरिएबल वाला आ गया, तो इसको आपको लोग लेके सोल्व करना था। ठीक है स्टूडेंट, इसको यू इन प्लस वी लेट करके इस क्वेश्चन को सोल्व करके, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, जिन बच्चों ने रिविजन किया है वो करके आए होंगे इस क्वेश्चन को। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा सिंपल। उसके बाद 15 नंबर जो क्वेश्चन है स्टूडेंट वो क्या कहता है, 2 cos x / 1 - sin x एंड 2 - cos2x का इंटीग्रेशन करना था स्टूडेंट। ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन था, एक ज्यादा टिपिकल नहीं था। इसके बाद हम देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन, जल्दी जल्दी थोड़ा सा देखते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे उस वीडियो के अंदर हम इन सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे। देखिए 60 नंबर क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट चैप्टर के अंदर से आया, रिलेशन एंड फंक्शन एनसीईआरटी बुक का, कहता है चेक वेदर रिलेशन आर डिफाइंड ऑन दी सेट ए, एक सेट आपको दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 एज दी आर, एक आर आपको रिलेशन दिया हुआ है ए कोमा बी डिफाइंड एज बी इज इक्वल टू ए प्लस वन इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांसलेटिव। ये आपने रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांसलेटिव बताना था कि जो रिलेशन दिया हुआ है क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांसलेटिव है या नहीं है, इसको आपने डिस्कस करना था। ये आपको सेकंड जो क्वेश्चन दिया होता है वो कहता है कि फंक्शन गोइंग्स टू एंड टू वाई बी ए फंक्शन डिफाइंड एज दी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आपको कितना दिया हुआ है 4x + 3 और वाई की जो वैल्यू है वाई कहता है वाई बिलोंग्स टू कैपिटल एन एंड वाई इज इक्वल टू 4x + 3 फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एन, कैपिटल एन मीन्स नेचुरल नंबर एंड शो दैट एफ इज इन्वर्टिबल। आपने क्या करना है एफ को इन्वर्टिबल प्रूव करना है, फाइंड इट्स इनवर्स और आपने एफ इनवर्स निकालना है। उस ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन था स्टूडेंट फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन का क्वेश्चन था, बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था स्टूडेंट। इसमें सिर्फ आपने सिर्फ प्रूव करना था और आप अपने तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, 70 नंबर क्वेश्चन अब जो आपके पास आ रहा है, 70 नंबर जो क्वेश्चन है वो ये प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट है। प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट का जो भी क्वेश्चन होता है 4 मार्क्स का पेपर के अंदर आता ही आता होता है स्टूडेंट, 200% पेपर में आता है। क्या कहता है, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट शो दैट, आपको ये प्रॉपर्टी लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है, इसको सोल्व करना था और आपने प्रूव क्या करना है 3 × a + b × ab + bc + ca। बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन सिंपल था, इनको आपने प्लस करना था तीनों को और करके आप इजीली सोल्व कर सकते, तो 1 1 बन जाएगा और 1 1 बनने के बाद आप इसको 0 0 बना के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद 80 नंबर क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था स्टूडेंट, जिन बच्चों ने ये किया था रिवाइज, बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था और ये पेपर के अंदर आता होता है स्टूडेंट। मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है कि ये जो क्वेश्चन है और इसमें आपको ये क्वेश्चन दी हुई थी x - a² + y - b² = c², और आपने इसका करना था ए इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी, आपने ये करना था, इसको गायब करना था ए और बी को। ठीक है स्टूडेंट, आपने इस क्वेश्चन को जो क्वेश्चन दी हुई थी x - a² + y - b² = c², तो आपके पास था स्टूडेंट, इसको आपने क्या करना था रिमूव करना था और इक्वेशन को सिंपल फॉर्म के अंदर लेके आपने ये चीज जो है वो प्रूव करनी थी। ठीक है स्टूडेंट,
ये आपके पास था 18 नंबर क्वेश्चन। उसके बाद आप देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। स्टूडेंट ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। मैं आपको लिख के दिखाया था स्टूडेंट ये इक्वेशन, अगर आपको नहीं पता लग रहा तो ये देखो स्टूडेंट ये क्या लिखा हुआ है। ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y एंड विच पासिस थ्रो दी पॉइंट। अब आपको दिया हुआ है विच पासिस थ्रो दी पॉइंट -1,4। ठीक है स्टूडेंट ये क्वेश्चन था। आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की इक्वेशन बनानी थी जिसमें आपको इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y एंड और वो जो पास है पासिंग थ्रू दी जो पॉइंट है वो कितना है -1,4। ठीक है स्टूडेंट ये क्वेश्चन था 4 मार्क्स का जो कि 6 नंबर चैप्टर का है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ये बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन इजी क्वेश्चन आपको 4 मार्क के अंदर आया हुआ है। उसके बाद देखो 20 नंबर जो क्वेश्चन है स्टूडेंट क्या कहता है, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कहता है प्रूव दैट इंटीग्रेशन 0 to a f(x) dx इक्वल टू 0 to a f(a−x) ये डेफिनेट इंटीग्रल का फर्स्ट रूल हो रहा है, लेकिन इसको अपने ने प्रूव करना था। बहुत इजी क्वेश्चन था, जिन बच्चों ने आप रूल किए थे ये वो इजीली आप इस क्वेश्चन को सोल्व करके आया है। और इसका सेकंड जो पार्ट है वो 0 to π/2 x sin x cos x ये क्वेश्चन की एक टाइप है sin x + cos x वाली। जिन बच्चों ने इस टाइप के क्वेश्चन किए थे वो इजीली इस क्वेश्चन को सोल्व करके आए होंगे। ठीक है चलो अब आपके सामने 20 नंबर 1 क्वेश्चन में क्या देखो क्या कहता है। हिंदी में दिया हुआ है, मैं आपको इंग्लिश में निकालता हूँ। उसके बाद क्या कहता है देखिए, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x dvdx इज इक्वल टू y−x tan y / x। आपने सोल्व करना था इस डिफरेंशियल इक्वेशन को। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था डिफरेंशियल इक्वेशन का। जो y / x आपको पता लगे कि y / x है तो y / x है तो इसमें कौन सा फंक्शन, कौन सा आप इसको सोल्व कर सकते थे होमोजीनियस फंक्शन से। इसको आप होमोजीनियस फंक्शन से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। अब ये वाला जो क्वेश्चन है सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन d/dx आपको दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को क्या करना था आपने सोल्व करना था। ठीक है स्टूडेंट ये थे ये 21 नंबर क्वेश्चन। उसके बाद 22 नंबर देखो क्वेश्चन क्या कहता है। ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट डी में से आया हुआ है, इफ द लाइन x−1/-3 y−2/2 λ z−3/2 एंड x−1/3 λ इज इक्वल टू y−1/2 एंड z−5/6/-5। ये आपको दिया हुआ है स्टूडेंट। कहता है आर परपेंडिकुलर, ये दो लाइंस है आपस में क्या दी हुई है परपेंडिकुलर दी हुई है। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा और आपने क्या करना है लैम्डा की वैल्यू को फाइंड करना है, हैंस वेदर दी लाइंस आर इंटरसेक्टिंग और नॉट। और आपने बाद में बताना है कि जो लाइंस है वो इंटरसेक्टिंग है या नहीं है। ठीक है स्टूडेंट आपने इसको क्या करना है इन दो क्वेश्चन को सोल्व करना है। इन दोनों क्वेश्चन को सोल्व करके आपने बताना है ये दोनों क्वेश्चन क्या दी हुई है आपको परपेंडिकुलर दी है, परपेंडिकुलर की कंडीशन की तरह आपको सोल्व करके आपने किसकी वैल्यू निकालनी है लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है स्टूडेंट उसके बाद आपने करना है इंटरसेक्टिंग शो करनी है, इंटरसेक्टिंग आप इजीली जो आप इसको सोल्व कर सकते हो। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट क्या कहता है, ये भी आपका 3D में से आया हुआ है। कहता है कि द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर, ए वेक्टर आपको गिवन दिया हुआ है i कैप + j कैप + k कैप विद द यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ द वेक्टर बी वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप + 4j कैप - 5k कैप एंड सी वेक्टर आपको एक गिवन और दिया हुआ है λ i कैप - 2j कैप - 3k कैप इज इक्वल टू 1 और आपको इक्वल भी दिया हुआ है 1 के इक्वल है इन सभी का सम। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, आपने किसकी वैल्यू निकालनी है लैम्डा की वैल्यू निकालनी है एंड हैंस फाइंड द यूनिट वेक्टर अलोंग बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर और आपने इसके बाद आपने यूनिट वेक्टर को फाइंड करना है और किसके अलोंग इस वेक्टर के अलोंग बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो इसमें आपने बी प्लस सी निकाल के उसका आपने यूनिट वेक्टर को सोल्व करना है। ठीक है तो ये था आपके पास जो आपने देखा 23 नंबर क्वेश्चन। अब इसके बाद आप देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। देखिए 6 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होते हैं, सेक्शन डी आपके पास आ चुका है। सेक्शन डी जो है वो 6 मार्क्स का क्वेश्चन है स्टूडेंट। आप देखिए 24 नंबर क्वेश्चन जो है वो बहुत ईजी क्वेश्चन आया हुआ था। क्या कहता है इंग्लिश में देखते हैं, कहते हैं शो दैट फॉर द मैट्रिक्स ए, एक आपको मैट्रिक्स दी हुई है और आपने इसको क्या करना था शो करना था a³ - 6a² + 5a + 11i = 0। ये डिटरमिनेंट चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आपने फाइंड करना था, हैंस फाइंड ए इनवर्स आपने करना था, इस क्वेश्चन को यूज करके ए इनवर्स आपने फाइंड करना है। ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। उसके बाद ये मैट्रिक्स मेथड जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट मेथड है, ये आता होता है पेपर के अंदर 200%। आपको ये 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन तीनों क्वेश्चन को सोल्व करके आपने चेंज करना था। मैं आपको थोड़ा सा चेंज करके बता देता हूँ कि कैसे चेंज करना होता है। 3 इनके कोफिशिएंट जो है इनको अलग कर लिए, 3 2 4 -2 + 1 और -3, उसके बाद 3 -1 2
उसके बाद एक्स वाई एंड जेड इज इक्वल टू 8 1 4। ये इसको आप क्या करोगे, ए मैट्रिक्स मान लोगे, इसको एक्स मैट्रिक्स मान लोगे, इसको बी मैट्रिक्स मान लोगे। अब आपने क्या करना होता है, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी एन आपने फाइंड करना है। सबसे पहले आप ए इनवर्स निकाल लो, फिर इसकी बी के साथ क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, आपके पास एक्स की वैल्यू जो फाइंड हो जाएगी। ये था 24 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड। अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे वो 25 नंबर क्वेश्चन है। देखिए क्या कहता है, ये क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है मैक्सिमम मिनिमम का, एक क्वेश्चन 101% पेपर के अंदर आता है। मैंने कई स्टूडेंट को बताया हुआ है कि ये जो टाइप क्वेश्चंस है मैक्सिमम मिनिमा के पेपर के अंदर जुड़ जाते हैं। क्या कहते हैं, शो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वैल्यूज दैट कैन बी इंस्क्राइब इन स्पेयर आर इज 2r/√3 एंड फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम। आपने शो करना है कि मैक्सिमम वॉल्यूम आपने शो करना है, और जो आर की वैल्यू है वो कितनी दी हुई है आपने को, 2r/√3, ये आपने शो करना है। ठीक है स्टूडेंट, उसके ये क्वेश्चन जो मैक्सिमम का बहुत ही इजी क्वेश्चन था। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन देखो, जो कि बेस थ्योरम के आया हुआ है। बेस थ्योरम का क्वेश्चन जो है लगभग पेपर के अंदर रिपीट होता है। कहते हैं बैग कंटेन 5 रेड बॉल एंड 4 ब्लैक बॉल्स, ए सेकेंड बैग 3 रेड बॉल एंड 6 ब्लैक बॉल। दो बैग दिए हुए हैं, एक बैग में 5 रेड बॉल है, एक में 4 ब्लैक बॉल है, सेकेंड बैग के अंदर 3 रेड है एंड 6 ब्लैक है। उसके बाद कहता है वन ऑफ द टू बैग इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड टू बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडमली विदाउट प्लेसमेंट और टू बॉल्स को ड्रॉन करना है। कहता है कि बोथ ऑफ व्हिच आर फाउंड टू बी रेड, और दोनों की दोनों बॉल जो है वो कौन सी होनी चाहिए, रेड बॉल होनी चाहिए। कहता है फाइंड दी प्रोबेबिलिटी दैट ही दी बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम दी सेकंड बैग। आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो ड्रॉन करने वाली जो बॉल है वो सेकंड बैग में से होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन बेस थ्योरम का था, बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था। इसके बाद देखिए 27 पर जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि यूजिंग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस इज 1 0 2 2 एंड 3 1। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का क्वेश्चन जो है पेपर के अंदर काफी बार रिपीट होता है, और मैंने आपको स्टूडेंट्स को कई स्टूडेंट्स को बताया था, बहुत से स्टूडेंट को मैंने बताया था कि ये जो ट्राइंगल्स वाले क्वेश्चन होते हैं, एरिया ऑफ कौन सा चैप्टर था ये, 8th नंबर चैप्टर था, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। ये जो क्वेश्चंस होते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, पेपर के अंदर बार बार रिपीट होते हैं। और मैंने आपको यही बताया था कि सर्कल के दो सर्कल वाले जो क्वेश्चन होते हैं क्वेश्चन, वो भी पेपर के अंदर रिपीट हो जाते हैं। ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया है स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इजी क्वेश्चन है, आपको मैं सोल्यूशन बताऊंगा, आपको आप देखना कि अगर आपका मैच करना, अगर आपने उसी तरीके से किया है तो बहुत आपका 6 नंबर आपके पक्के हैं। उसके बाद देखिए 28 नंबर क्वेश्चन, ये 28 नंबर क्वेश्चन है इंग्लिश के अंदर दिया हुआ है, पहले जो हिंदी में था मैं आपको इंग्लिश में बता रहा हूँ। ए कंपनी प्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ गुड्स ए एंड बी। ये देखिए स्टूडेंट, ये जो है लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है, LPP, 6 मार्क्स का आया हुआ है। पिछले साल आपके पास 4 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन आया था स्टूडेंट, इस बार 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। कहते हैं दैट रिक्वायर्ड गोल्ड एंड सिल्वर, दो गोल्ड एंड सिल्वर है। ईच यूनिट टाइप ए रिक्वायर्स 3 ग्राम ऑफ सिल्वर एंड 1 ग्राम ऑफ गोल्ड वाइल, एंड टाइप ऑफ बी रिक्वायर्स 1 ग्राम ऑफ सिल्वर एंड 2 ग्राम ऑफ सोल्ड। द कंपनी कैन यूज एट दी मोस्ट ऑफ 9 ग्राम ऑफ सिल्वर 8 ग्राम ऑफ गोल्ड। बहुत ईजी क्वेश्चन है जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया है, इससे ज्यादा सिंपल क्वेश्चन जो है पेपर के अंदर नहीं आ सकता। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो 29 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। ये भी आपको बताया था मैंने स्टूडेंट, ये जो दोनों क्वेश्चन है ये वाले, ये जो दोनों क्वेश्चन 3D के अंदर आए हुए हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर के अंदर ज्यादातर आ ही जाता है। क्या कहता है, फाइंड दी वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ दी प्लेन पासिंग थ्रू दी पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर ए आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप, 2i-j कैप प्लस के कैप एंड आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3 प्लस k कैप पैरेलल टू दी प्लेन ऑब्टेन अबव। हैंस फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दी टू पैरेलल प्लेन। आपने डिस्टेंस फार्मूला यूज करना था, और इसको इजीली सोल्व करके आपने सबसे पहले क्या करना था, वेक्टर फॉर्म निकालनी थी, और आपने क्या निकालना था, कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी थी। उसके बाद आपने क्या करना था, आप डिस्टेंस उसको डिस्टेंस फार्मूला यूज करके इसको क्वेश्चन को सोल्व करना था। उसके बाद इसके अंदर और के अंदर भी एक पार्ट आया हुआ है, क्या था, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दी, आपको 2 पॉइंट दिए हैं 2-1 2 5 3 4 एंड ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू दी पॉइंट, आपको ये 3 पॉइंट दिए हुए हैं। एंड फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाला क्वेश्चन फिर आ गया स्टूडेंट, ये पहले भी 4 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन आया था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालिए। ये था आपके पास स्टूडेंट्स 29 क्वेश्चन CBSE का, जो कि 18 मार्च को पेपर हुआ था, जो कि मेरे पास सेट 3 था। आपने देखा
तो स्टूडेंट्स, ये अगर आपने ये पेपर देखा, जो 11th क्लास के वाले बच्चे जो 12th में प्रमोट हुए हैं, ये पेपर को आप अच्छे तरीके से देख लीजिए स्टूडेंट्स। ये 29 क्वेश्चन थे, इस तरह के पेपर आपके पेपर में आने वाला है और इसी टाइप के क्वेश्चन पेपर आप में पेपर में आपको मिलेंगे, ठीक है स्टूडेंट। अगर आपको स्टूडेंट्स मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर दबाइए, ठीक है स्टूडेंट्स। लक्ष्य अकेडमी से मोहित सर, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।